वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, यही योग का मर्म है। सुनो, तो अब ऐसा कुछ योग में सिखा दें आपको कि जिससे कि भोगों को अवकाश ही ना मिले, ये कितनी बड़ी बात होगी। जैसे भोग में योग को अवकाश नहीं होता, क्रोध में बोध को अवकाश नहीं होता, लोभ में दान को अवकाश नहीं होता, ऐसे ही एक विधि सीख लो। लेकिन बीपी वाले सावधान, आप मत करना, फिर बीपी वालों के लिए बताऊंगा, फिर बीबी वालों के लिए बताऊंगा। तो पहले जिनको बीपी नहीं है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कमर में दर्द नहीं है, वो इतना तीव्र करना, देखो ऐसे करके देखो मेरे साथ, जिनको बीपी नहीं है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, वो करना। कैसे? थोड़ा थोड़ा शुरू करो, चलो धीरे 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 पिकअप लेते हैं, डीजल स्टार्ट है सब, चलो करो। अब बढ़ाते जाओ, ऐसे इतनी जोर से करना कि आपको कोई दुनिया की याद आ जाए तो मुझे कह देना, मुझ पर FIR दर्ज करा देना। मैं आपको ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूं, प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं। इतना तीव्र वेग हो योग का कि भोग का अवकाश ही ना मिले। दो बातें सुनना, चित्त दो ही चीजें जानता है, एक सोचना, दूसरी आप बताओ, इतनी भी पता नहीं तुमको? सोचना विचारना बंद कर दो तो क्या होगा? कुछ विचार नहीं आ रहा है, ना कोई याद आ रही है, ना सुन रहे हो, ना सुन रहे हो, ना देख रहे हो, ना सोच रहे हो, तो क्या हो जाएगा? सोना, इतनी सी बात नहीं। चित्त दो ही चीजें जानता है, या तो सोचना या ध्यान, इनके पार है, ये तीसरी अवस्था है। इसलिए योग चित्त वृत्ति निरोध प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, निद्रा और स्मृति को ये सबसे ज्यादा प्रबल वृत्तियां हैं जो ध्यान में व्यवधान बनती हैं। भाई भजन तो आप भी करते हो ना सब, तो ध्यान में व्यवधान दो ही चीजों का होता है, या तो ध्यान करते हो तो स्मृति आती है किसी भी चीज की, आपको सबका अनुभव है, ये कोई एक का नहीं है, ये तो समष्टि का अनुभव है। और जब या कोई बाहर की चीजें याद आती है, जब भगवान की सगुण उपासना करते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर अपने भीतर पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। तुंजी तुंजी यौत्तरी स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः नविन्धे अस्य सुष्टुतिम् तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवि वचक्षुरा ततम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
जब तक भगवान का सगुण ध्यान करते रहते हैं ना, तब तक तो चित्त लगा रहता है। कोई भी मूर्ति में चित्त लगा रहेगा, ये सारे प्रभु का मूर्त रूप विराट रूप सारे ब्रह्मांड में देखें उसमें चित्त लगा रहेगा। जब निर्गुण ध्यान में प्रवेश करते हैं तो बाधा क्या आती है बोलो? नींद, नींद आ जाती है। ये सबका एक्सपीरियंस है। तो इससे पार जाना हो तो एक उपाय बताया कि ये ऐसा कितनी देर करना? आधा घंटा कर लेना। ज्यादा करना है? कितनी देर कर लेना? आधा घंटा कर लेना। फिर क्या होगा? शरीर एकदम शुद्ध हो जाएगा, सब स्मार्ट दिखेंगे। जैसे नवी नवेली बहू आई है घर में, सास भी बहू जैसी लगे। और ये हस्बैंडों के जो बैंड बज रहे हैं, ये भी स्वरताल ठीक हो जाएंगे इनके। सुनो, शरीर तो अच्छा होना ही चाहिए ना। ये शरीर तो भगवान की सौगात है, उसका उसका दिया हुआ उपहार है, उसकी देन है। देखो ज्यादातर लोगों की आजकल किडनियां फेल हो रही हैं। यदि आपने कपालभाति ना किया तो आपकी भी किडनी फेल हो सकती है। बहुतों की किडनी में स्टोन हो रहे हैं। कपालभाति नहीं किया तो आपकी भी किडनी में स्टोन हो सकता है या हो चुका होगा। जाके अल्ट्रासाउंड करा लेना कथा पूरी होने के बाद। हो सकता है आपको भी गाल ब्लेडर में स्टोन हो रहा हो। आजकल गाल स्टोन तो साधु संत महात्माओं को भी हो रहा है और गृहस्थजनों को भी हो रहा है। पानी कम पीते हैं। एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। सुबह उठ करके 0.5 से 1 लीटर पानी पीना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए पानी। यदि बहुत ज्यादा प्यास लगी हो तो 0.5 घंटे बाद भी थोड़ा पी सकते हैं। 4 लीटर पानी पीना चाहिए। जो 4 लीटर से कम पानी पिएंगे उनको गाल स्टोन होगा, उनको किडनी स्टोन होगा, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे होंगे, उनकी किडनी फेल होगी और उनका पटाखा फूटेगा। राम नाम सत बोल। आप देखो पानी पीना पड़ेगा, कपाल भाती करना पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशन होगा, करना पड़ेगा। किडनी स्टोन होगा, गाल स्टोन होगा, किडनी की गड़बड़ आएगी, बीपी बढ़ेगा, बॉडी में टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स होंगे। ये आप जिनकी उम्र ज्यादा है चेक करा लेना, आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ मिलेगा। जिनकी 50 साल की उम्र आसपास है, आपका प्रोस्टेट 20 ग्राम का नहीं 40-50-60 ग्राम का मिलेगा, यह गारंटीड है। यदि कपाल भाती नहीं किया तो जितना भी कचरा खाते हो, प्रिजर्व फूड खाते हो, उसमें जो है प्रिजर्वेटिव्स होते हैं बहुत सी, कितने टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स, कितना प्रदूषण है। एयर वाटर सोयल सब कुछ पॉल्यूटेड हो गया है। वो सब कहां जाता है? शरीर में। देखो कुछ प्रदूषण निकाल देते हैं, कुछ प्रदूषण लैट्रिन के रास्ते से निकल गया, कुछ पेशाब के रास्ते से निकल गया, कुछ प्रश्वास से निकल गया, कुछ पसीने से। लेकिन जो जो घुल जाता है भीतर जाके, जो डायल्यूट हो जाता है ब्लड के साथ, वो किडनी में जाके इकट्ठा होता है। इसलिए किडनी फेलियर बहुत ज्यादा हो रहा है। और जिनको डायबिटीज है उनमें से तो 30% लोगों की किडनी खराब होती ही है और 80-90% लोगों को आंख की प्रॉब्लम होती ही है। ये तो साइंटिफिक रिसर्च है, एविडेंस है इसके। तो ये कपाल भाती करना सबके लिए क्या है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। शरीर की शुद्धि होगी, इंद्रियों की शुद्धि होगी, माने सम्यक बोध। ये कथा किस लिए सुनाई जाती है? बोध के लिए। कथा का जो प्रयोजन है ना, कथा का प्रयोजन यही है, आपके भीतर विवेक ख्याति हो, आपके भीतर तत्व ज्ञान उतरे। ये आलंबन लिया जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आपको लेकर के जाते हैं। और यही सब शास्त्रों का प्रयोजन है। चाहे वो हमारे महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में कहते हैं कि धर्म विशेष प्रसूतात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय नाम पदार्थान साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञाना निश्रेयसाधिगम। चाहे वो हमारे महर्षि गौतम न्याय दर्शन में कितने बड़े तार्किक थे, वो भी हमको अंततः वो मोक्ष का अर्थ सारे अज्ञान की परिसमाप्ति, मिथ्या ज्ञान की समाप्ति, और वो सद ज्ञान से समर्थ गुरु के आश्रय से होता है। उसी को कहा है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपायात अपहृद। यही मुक्ति, और कुछ मुक्ति कोई काल्पनिक चीज नहीं है। तो खैर मैं आपसे कह रहा था ये जैसे
तत्व ज्ञान है, ऐसे शरीर विज्ञान में भी यह तत्व ज्ञान है। क्या? पहले शरीर की शुद्धि करो। अब ये कपाल भांति महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा प्रचर्धन विधारणाभ्यम वा प्राणस्य। वैसे फिर इसका जो नाथ परंपरा है, नाथ संप्रदाय है, वहां पर इसको कपाल भांति, कपाल माने माथा, भांति माने यहां दीप्ति होने लगे। शरीर इंद्रियों और चित्त की बुद्धि की जब शुद्धि हो जाती है तो दीप्तिमान हो जाता है व्यक्ति। आप में से कोई कॉस्मेटिक तो नहीं लगाता ना? है कोई फेयर एंड लवली? और बोले बाबा जी आपने बताया था हरियाणा के एक आदमी ने अपनी भैंस के ऊपर लगाया, वो 10 साल में भी गोरी नहीं हुई, तो हमने छोड़ दी था उसे। तो आप लोग ये ओरिजिनल क्रीम है। चेहरे पर नूर कब बढ़ता है? चलो मैं इसका उपाय बता देता हूं। चेहरे पर सौंदर्य कैसे आएगा? ऐसे तो शरीर का जो सौंदर्य है, पूज्य बापू अभी कथा में सुना रहे थे कि जब आप योग में अवस्थित होते हैं, जब आप शीलवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं, संयम आपके जीवन में घटित होता है, तो देह का सौंदर्य ही इतना सुंदर होता है, उसको छुपाने के लिए कपड़े ओढ़ने पड़ते हैं। भाई देह का सौंदर्य इतना सुंदर हो कि उसको छुपाने के लिए कपड़े ओढ़ने पड़े, यह तुम्हारी सुंदरता है। कपड़ों से तुम अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करो, यह तुम्हारी सुंदरता नहीं। और वो योग से आएगा। योग से बॉडी का स्ट्रक्चर, भुजाओं को जैसा होना चाहिए वैसी भुजाएं हो, सीना ब्रेस्ट चेस्ट जितनी उभरी होनी चाहिए उतनी, पेट आपकी जंघाएं ऊपर से नीचे तक, ऐसा नहीं कि तुम चालो तो धरती हाले, आम आम चाले ना पछी आम आम, मन आटलू खराब लागे भाई, आना बोझो नहीं लगतो, एने केम गमे से हा, केम चाले हा, आम आम चाले पछे, अरे नीचे बैसे ने तो आम लागे कुर्सी ऊपर बीसी गया से, नीचे बैठे तो ऐसे लगे जैसे एकदम परमानेंट सिंहासन है। तो ये ठीक नहीं ना, ये कपाल भांति करो ना। तो शरीर सुंदर बनेगा, जितना जहां होना चाहिए वहीं उतना फिक्स डिपॉजिट होगा। घड़ाम के आ बापो आइया केम बुदी गयो, खादो आइया गयो आइया अने बधु आइया, समझ में नहीं आवतु। तो जे आम समझ में नहीं आवे ना आम आ करतु, आ समझ में नहीं आवे तो ही वांदो नहीं, जतो रहसे आ बधु। वजन कब बढ़ता है? जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। तो कपाल भांति से बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। दूसरा, ओवर ईटिंग की जो आदत है तुम्हारी वो खत्म होगी। और इसमें कई तरह के हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं, और T3 T4 TSH का इंबैलेंस होता है, और लैक्टिन जो कि ज्यादा खाने की इच्छा उससे पैदा होती है उसका बैलेंस हो जाता है, ये सब ठीक हो जाएगा। तो सुंदर बनोगे शरीर से, इंद्रियों में चंचलता नहीं होगी। जिसके नयन नीचे होते हैं वो सुंदर होता है, जिसके शरीर में शील होता है वो सुंदर होता है, जिसके जीवन में सच्चरित्रता पवित्रता होती है वो सुंदर होता है। और हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होगा, जे योग कर से ना इनो हीमोग्लोबिन जे ने 16 से 18 कितना 16 से 18 हाँ 18 साल अनाज नहीं खाया, मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 और अभी भी 17 से 18 के बीच रहता है। बहुतों ने खून पिया फिर भी घटाई। हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होगा तो तुम्हारे चेहरे पर ग्लो रहेगा, है ना? नहीं तो आम बापो 3 घंटा कथा हमड़ी हमड़ी ने थैकी गया, एक कथा सांभरता सांभरता थैकी गया या? बापू कहता कहता नहीं था क्या ए सांभरता सांभरता थैकी गया, केम हीमोग्लोबिन ओछू से एले थैकी जाए। जिसका हीमोग्लोबिन 17-18 होगा वो कपाल भांति करेगा, 17-18 हीमोग्लोबिन होगा, 18 घंटा काम करेगा फिर भी थकेगा नहीं। अने जे हीमोग्लोबिन वधारे हसे ना ज्यादा होगा तो चेहरे पर क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन से
ग्लो साइनिंग तेज ओज रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र अंडा ये सबके सात धातु तो सब में समान होती हैं, ये अष्ट धातु पुष्ट होनी चाहिए तो तेज बढ़ता है। तो ओज जो वासना से बाहर बहता है वो योग से ऊर्ध्वगामी हो जाता है, इसी को ऊर्ध्वरेता कहते हैं। ये काम का रूपांतरण बता दिया आपको। तो है कामदेव से आपको महादेव तक की यात्रा बता रहे हैं ना बापू जी, ये तो चेहरे पर ग्लो आएगा। शरीर इंद्रियों और मन ततः क्षीयते प्रकाशवण, उसकी शुद्धि होगी। तो ये कपालभाति सब करना भाई, हां जो कपालभाति करेगा वो मोटा मोटी ए जाड़ो नहीं रहे, जाड़ी नहीं रहे। जो कपालभाति करेगा वो मोटा, जो कपालभाति करेगा उसको शुगर, जो कपालभाति करेगा उसका कोलेस्ट्रॉल, जो कपालभाति करेगा उसको कॉन्स्टिपेशन। ये तो बताया थोड़ा सा आपको एक कपालभाति, इसके बाद ये बाह्य प्राणायाम थोड़ा सा ना पेट हल्का हो जाएगा ना तो ये भी हो जाएगा। ना हो तो अग्निसार कर लेना। वो नोली क्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा, है ना, गोल घुमाया था ना वो तो प्रैक्टिस के बाद वाला काम है। इसमें तो थोड़ा समय लगेगा ना। फिर ये गले और थायराइड की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए पॉइंट भी है ये, और ये और ये, फिर ये अनुलोम विलोम जो बाबा जी बता रहे थे अभी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये नाड़ियां, नाड़ी विज्ञान है बहुत बड़ा, 72 करोड़ से ज्यादा रस नाड़ियां हैं, उसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना मुख्य है, और उसमें भी ये जो सुषुम्ना है ये बहुत मुख्य है। ये जो है ना, ये पहले संध्या करते थे तो करते थे, तीन बार तो करते थे कम से कम, वो तीन बार भी छूट गया आप तो लोगों का। ये आराम आराम से जितना करेंगे, फिर ये भ्रामरी हो, फिर वो वापस ध्यान पर आते हैं। तो आज मुझे यहां 3-4 दिन रहना था कम से कम, 5 दिन का मैंने तय कर लिया था, फिर वो गड़बड़ क्या हुई, अभी परसों अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम उनको बहुत दिनों उनसे कहा हुआ था कि मैं एक दिन हर योगपीठ में आना चाहता हूं, तो उन्होंने 14 तारीख रख ली। फिर जो है पूज्य गुरुशरण जी ने, पूज्य बापू जी ने भी मुझे बताया, हमारे भाई वाजोरिया जी ने, कि अभी कंबोडिया में भी कथा का आगे का रखा है, तो वहां पूज्य गुरुशरण जी ने उधर जो है आदेश दे दिया। तो जो है मैं इतना जरूर कहता हूं कि फिर कभी बहुत जल्दी ऐसा अवसर आएगा जब सुबह योग और दिन में राम कथा, जैसा एक बार पतंजलि योगपीठ में हुआ था, दोबारा भी ऐसा कोई अवसर जरूर आएगा जब बापू और बाबा साथ साथ ही होंगे। वैसे तो हम हमेशा ही साथ रहते हैं, मैं तो हमेशा बापू का अनुग्रह स्वयं पर मानता हूं, अनुभव करता हूं। आज जो है इतनी बात को कह करके, क्योंकि यदि मैं रोगों के बारे में बोलने लगा तो इतनी बीमारियां हैं वो अंतहीन हो जाएगी यात्रा, है ना, है जी। बीपी, हां बीपी वालों के लिए ये है, ये अनुलोम विलोम ना, ये अनुलोम विलोम करो। और ओंकार का ध्यान, सुबह पानी पियो, लौकी का जूस पियो, तो बीपी ठीक होगा। बाकी तो आप मुझे सुबह 5 से 8 सुनते हो ना आस्था पर, उसमें बहुत से उपाय बताता हूं। आज तो मैं पूज्य बापू का आशीर्वाद लेने, जो उनका अनुग्रह है हम पर, और यहां विशेष रूप से ये इतना दिव्य भव्य आयोजन, और उसमें पूज्य बापू के पावन सानिध्य में ये जो एक बहुत अभूतपूर्व क्षण हमें यहां पर उनका अनुभव करने का अवसर मिला है, मैं एक बार पुनः
अपने ओर से पूज्य बापू के चरणों में पूरे योगपीठ परिवार की ओर से, और वो करोड़ों करोड़ों आस्थावान हमारे सभी अमृत पुत्र ऋषिकाओं की वीर संतानें जो पूज्य बापू को अपने गुरु के रूप में, अपने मार्गदर्शक के रूप में, अपने एक आध्यात्मिक पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, मैं तो उसी श्रेणी में अपने आप को रखता हूं और पूज्य बापू के अनुग्रह की सदा अपेक्षा रखता हूं। और आप सब यहां इतनी निष्ठा के साथ यहां पर आए, आप सबको भी हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। पूज्य बापू के चरणों में मेरा एक बार पुनः प्रणाम।